मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग का हम लोग डायरेक्शन लास्ट डिफरेंट पार्ट्स में हमने बेसिक बातों को जाना और क्वेश्चन आंसर राउंड को किया था। आज हम लोग अकॉर्डिंगली एनआईवीएम के सिलेबस में रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर है ब्लड रिलेशंस। तो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन को सेकेंड्स में कैसे बनाया जाए, ये एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पीटी में हो गए हैं या एक से ज़्यादा क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, डिफरेंट एग्जामिनेशन में हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभी दो तीन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। इन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए बेसिक कंसेप्ट पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सब बने हुए हैं एनआईवीएम रांची के ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। तो कोई भी जानकारी चाहिए एनआईवीएम के बारे में, कोर्स फी, यूट्यूब पर कौन से क्लासेस हुए हैं, क्लास शेड्यूल, तो निश्चित रूप से एनआईवीएम वेबसाइट पर जरूर चले जाइएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। चलो तो आज हम लोग देखते हैं ब्लड रिलेशन की बेसिक बातों को समझते हैं कि बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट ब्लड में किन किन बातों पर ध्यान देने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम अपने घर में जो यूज़ करते हैं, ठीक है, घर में यूज़ करते हैं तो सिंपल रिलेटिव्स का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। एक मिनट, जैसे हम लोग पर डे घर में जो यूज़ वर्ड का किया करते हैं रिलेशंस में, वो कौन होते हैं। जैसे हम पहली बात करते हैं कि तीन पार्ट में बांटते हैं, तो प्रेजेंट में, जैसे आज हम घर में हैं, तो वैसे प्रेजेंट सिचुएशन में हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं रिलेशन में। तो प्रेजेंट में हम बात करते हैं, मान लो प्रेजेंट की बात करते हैं, तो अक्सर हम बात करते हैं फादर, ठीक है। उसके बाद हो गए आपके मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल। जैसे फादर का इक्विवेलेंट हो गया, फादर, फादर के इस ग्रुप के फादर से रिलेटिव में अंकल, तो अंकल का भी वर्ड का इस्तेमाल होता है। और मदर के जगह मदर जैसी होती है, आंट का इस्तेमाल होता है। अंकल में हिंदी में जो मामा होते हैं, मामा के लिए भी हम लोग इंग्लिश में अंकल वर्ड का यूज करते हैं, और चाचा के लिए भी हम लोग अंकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मौसा के लिए भी क्या हो गया, मौसा के लिए भी क्या हो गया, अंकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मामा के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाए तो पैटर्न, तो ये क्या लग जाते हैं, मैटर्नल। मदर का साइड हो तो मैटर्नल अंकल लग जाते हैं, अगर फादर का साइड हो तो पैटर्नल अंकल हम बोलते नहीं, सिर्फ अंकल बोलते हैं। मौसा के साइड भी हो तो अंकल ही बोलते हैं। उसी प्रकार आंट में होते हैं तो चाची, चाची का भी हिंदी में सेंस हो गया, या नहीं तो मामी का भी इंग्लिश में हो गया, आंटी हो गए, आंट हो गए, और मौसी का भी हो गए। तो इन तीनों शब्दों के लिए हम लोग कॉमन इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया करते हैं, आंट, अंकल, सिस्टर, ब्रदर, मदर एंड फादर। ये जनरली प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं, अभी के सिचुएशन में इन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर आ करते हैं। अगर हम बात करते हैं पास्ट के, जैसे पास्ट में अगर एक जनरेशन पीछे जाए, जैसे फादर के फादर को बोलना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रैंड फादर बोलेंगे, ठीक है। फादर के फादर को बोलना हो तो क्या बोला जाएगा, ग्रैंड फादर। उसी प्रकार ग्रैंड मदर भी होंगे, ठीक है, ग्रैंड मदर, ठीक है, दादी को बोलना हो तो। अगर यहाँ पर फादर के यानी कि दादा को बोलना हो, हिंदी में इसको दादा बोलते हैं, ठीक है। अगर नाना को नाना के रूप में लिखा जाए तो ग्रैंड क्या हो जाएंगे, ग्रैंड मैटर्नल, यहाँ पर लग जाएंगे मैटर्नल। पैटर्नल यूज़ नहीं करते, लेकिन मैटर्नल, फादर एंड मदर, फादर एंड क्या हो जाएंगे, मदर। तो ये हो जाएंगे नाना या नानी, ये दादा और दादी हो गए, और यहाँ पर ये क्या हो गया, नाना एंड क्या हो गई, नानी हो गई। बात समझ गए, ठीक है। और अंकल में ग्रैंड अंकल का यूज़ नहीं करते हैं, राइट ना। अब इसके भी एक जनरेशन आगे जाएंगे तो यहाँ पर ग्रेट वर्ड का यूज होता है, ग्रेट, ग्रैंड फादर या मदर जो भी यूज़ हो, फादर एंड या नहीं तो मदर। जनरली पास्ट के सेंस में इन्हीं इतने ही रिलेशन को लेकर चला जाता है मैक्सिमम, ठीक है। ग्रेट ग्रैंड या यूज बहुत रेयर हुए हैं, ग्रेट ग्रैंड का यूज हम लोग देखते हैं, ये बहुत रेयर हुए हैं, अक्सरहा यूज हुआ है ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर का। फिर अगर बात करते हैं फ्यूचर का, अपने रिस्पेक्ट में देखते हैं, फ्यूचर के रिलेशन को देखना चाहेंगे, जैसे हम हैं अभी, तो फ्यूचर के रिलेशन का देखना चाहेंगे तो फादर एंड मदर के रूप में होते हैं तो फादर एंड मदर के रूप में अगर फ्यूचर में होंगे तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, सास ससुर क्या, मदर इन लॉ, हस्बैंड के फादर को भी वाइफ मदर इन लॉ बोलेंगे, फादर इन लॉ बोलेंगे, और वाइफ के भी हस्बैंड को, हस्बैंड के भी वाइफ, फादर एंड मदर को, तो दोनों में एक ही शब्द बोला जाएगा। उसके बाद ब्रदर के रूप में होंगे तो ब्रदर इन
लॉ लग जाएंगे। तो ये क्या हो गया, साला के लिए बोला जा सकता है, हिंदी में साला के लिए भी यही बोला जाता है, और साला के लिए देवर के लिए भी क्या होगा, देवर के लिए भी यही बोला जाएगा। और उसके बाद सिस्टर इन लॉ होते हैं, सिस्टर इन क्या हो जाएंगे, सिस्टर इन लॉ मतलब साली के लिए, यानी कि वाइफ की सिस्टर के लिए बोला जाएगा और हस्बैंड के सिस्टर के लिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है आपको, साली, और जो भी बोला जाता होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर क्या हो गया, वाइफ हो गए, हस्बैंड हो गए, ठीक है, वाइफ हस्बैंड, और आगे भी रिलेशन में जाएंगे तो ग्रैंड, ग्रैंड यहाँ पर ग्रैंड क्या हो जाएंगे, सन होंगे, ग्रैंड डॉटर होंगे, ठीक है, ग्रैंड डॉटर, इन सारे शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर इस सन के जगह पर सन इन लॉ भी हो, इन फ्यूचर में ये और रिलेशंस हो सकते हैं, सन इन लॉ मतलब क्या हो गया, दामाद हो गए हैं, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ मतलब क्या हो गया, बहू हो गए हैं। इन सारे शब्दों का हम लोग अक्षरा, ये सारे शब्द जो हो गए वो रिलेटिव्स के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि तीन प्रकार के रिलेशन को यहाँ पर एस्टेब्लिश करके आपके लिए दिखाया, प्रेजेंट में जो आप सब शब्दों का प्रयोग करते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल एंड आंट, ठीक है, और जस्ट एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड फादर एंड मदर हो जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर के रिलेशन अपने रेफरेंस से बात करते हैं तो फादर इन लॉ होंगे, मदर इन लॉ होंगे, वाइफ होंगे, हस्बैंड होंगे, ब्रदर इन लॉ होंगे, सिस्टर इन लॉ होंगे, सन इन लॉ होंगे, डॉटर इन लॉ होंगे, ग्रैंड ग्रैंड सन होगा, और ग्रैंड के एक और रिलेशन आगे जाएंगे तो ग्रैंड के आगे भी जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंड भी हो सकते हैं, ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सिचुएशन अक्सर, हाँ, हम लोग एक क्वेश्चन जो फ्रेम किया जाता है तो क्वेश्चन तीन प्रकार के फ्रेम किए जाते हैं। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन का टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं, टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन होंगे इसमें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थ्री डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट होता है सिंगल सेंटेंस में होता है, सिंगल सेंटेंस में होता है, और दूसरा होता है मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस में होते हैं क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ सेंटेंस, ठीक है, मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस में क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सिंगल सिंगल सेंटेंस मतलब इसमें एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे मोर, तो यहाँ पर मोर देन वन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोर देन वन क्वेश्चंस होंगे, मोर देन वन मीन्स टू भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन होता है। तीसरा, जब तीसरा पैटर्न होता है मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस हो गए, दूसरा होता है एक सिम्बॉलिक होते हैं, सिंबॉलिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंबॉलिक ब्लड रिलेशंस होते हैं। जैसे कहा सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन में कैसा होता है, ए ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए ए इज द, यहाँ कहा जाता है ए इज़ द फादर ऑफ बी, या ए ए डॉलर बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ऐसा कहा जाता है। तो ये प्लस डॉलर सिंबल एट द रेट डिवाइड वगैरह वगैरह का इस्तेमाल करके यहाँ बताया जाता है। फिर रिलेशन पूछे जाते हैं ए प्लस बी माइ डॉलर सी एट द रेट डी में ए कौन है डी का, ऐसा देखते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। अब देखिए ना, जैसे एज पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में जो होते हैं तो कहा जाता है पॉइंटिंग टू वर्ड किया जाता है, पॉइंटिंग ऐसा कहा जाता है, पॉइंटिंग टू ए पॉइंट टू ए पॉइंटिंग टू वर्ड्स द बी, ए पॉइंट टू बी, तो मतलब ए पॉइंट टू बी, पॉइंट कहते हैं तो एरो ऐसा दीजिए बी, इस प्रकार जैसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है वैसे रिलेशन को बनाते हुए सी हो डी हो, इस प्रकार का रिलेशन जब ये आपस में लिंक हो जाते हैं, तो लिंक हो जाते हैं तब जाकर रिलेटिव कहलाते हैं। अब जो जो इन्फॉर्मेशन जैसे कहा गया है वैसे हम लोग यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे एक सिचुएशन आप देख लो, कोई भी सिचुएशन होते हैं, जैसे मान लो कि आप शादी सिचुएशन सेंटेंस में सिचुएशन कैसा क्रिएट किया जाता है, तो सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो बहुत बहुत दिनों के बाद अपने फैमिलियर पार्टी में गए हो, किसी फैमिलियर पार्टी में आप गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग आपके जान पहचान के हैं, पहले से मिलते हो, बात करते हो, कुछ ऐसे व्यक्ति वहाँ मिल जाते हैं जो कि आपने पहले उनको देखा नहीं था, लेकिन उनके बारे में जानना आप चाहते हो कि वो कौन है, ठीक है, वो मेरा कौन लगेगा या हम उनको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाता है पॉइंटिंग टू ए मैन, ये वुमेन सेड हिज हस्बैंड इज माई मदर इन लॉ, वगैरह वगैरह कुछ भी कहा जाता है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देख जैसे यहाँ क्वेश्चन देख रहे होंगे, पॉइंटिंग टू मैन वुमेन सेड हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है पॉइंटिंग टू मैन वुमेन सेड
ठीक है। फिर यहाँ कह रहा है पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ विपुल सेड सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, हाउ विपुल इज रिलेटेड टू गर्ल्स इन द फोटोग्राफ। इस प्रकार के अनेक सिचुएशन होते हैं, उन सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो बस इन्हीं रिलेशंस को हम देखते हैं, ये सारे रिलेशन दिमाग में होने चाहिए, किसको क्या बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं ये इस प्रकार की ये छोटी छोटी जानकारियाँ होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड में इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कंसेप्ट के साथ ही। ओके।